चमोली में ऐतिहासिक गोचर मेले की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। उत्तराखंड की संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय से 7 दिन तक चलने वाली गोचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में रायका गोचर सभागार की पहली बैठक हुई। मेले के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि गोचर मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु इस राजकीय मेले में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहरी जनपदों राज्यों के कलाकारों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि सभी के अनुभव और विचारों के साथ हम निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो सके और गोचर मेले की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो सके। उन्होंने कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए स्वच्छता, संस्कृति, स्वरोजगार और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें घोषणा करी है कि जो राजकीय स्तर से उसमें बजट प्राप्त होता है उसमें हम उसमें बढ़ोतरी की गई। साथ ही साथ पूर्व से भी यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं चमोली जनपद के गौचर के कंडप्रयाग के, उन्होंने भी यहाँ पर गौचर मेले को भव्य बनाकर अपना अपार सहयोग दिया है। सभी माध्यम से, चाहे वो अपनी किसी भी तरीके से सहयोग करके है, चाहे वो कैसे भी तरीके से। साथ ही साथ और भी हम इसमें स्वयंसेवी